हेलो स्टूडेंट्स, आप सब स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने आपके लिए जो क्लास सेवन्थ का हमने चैप्टर स्टार्ट किया बेटा, चैप्टर नंबर सेकंड, उसकी वर्कशीट नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फाइव पूरा सॉल्व करेंगे। फाइव फोर पार्ट है उसके बेटा, देखिए वन बाय वन हम करेंगे। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको चैप्टर नंबर वन कम्प्लीट मिलेगा बेटा, चैप्टर नंबर सेकेंड इससे पहले वाला सारा मिलेगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉरी फर्स्ट पार्ट, क्या आपके सामने स्टेटमेंट लिखा है और सिंप्लीफाई करना आपने। तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जब ऐड करते हैं माइनस करते हैं तो हमें एलसीएम लेना होता है बेटा। देखिए तो 5, 15 और 20 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा साइड में कहीं ना कहीं पर। तो आप इसका एलसीएम लेके देख सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस है कहीं पर, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो 5, 15 और 20 का एलसीएम, ठीक है बच्चों। तो क्या आएगा, 5, 1 जा 5, 5, 3 जा 15, 5, 4 जा 20, 1 पे 3 पे 3, 1 जा 3, 4 as it is, और फिर 4 पे जी 1, 1 और 1। तो ये 5, 3 जा 15 और 4, 60 आ गया बेटा। तो एलसीएम इतना आ गया 60। तो आप यहाँ पर एलसीएम को लिखे 60 आ गया। अब क्या करना, आपने 60 को 5 से डिवाइड करना है, 12, 12 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस का 48, वेरी गुड, माइनस एज इट इज़। ये 60 को क्या करना है बेटा, 15 से डिवाइड करना है, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 एज इट इज़ प्लस 60 से 20 को डिवाइड करते हैं, 3 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21। क्या रूल होता है, जो डिनोमिनेटर है उसके साथ एलसीएम को डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करके जो आता है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये क्या आ गया, देखिए माइनस माइनस वाले सेपरेट ऐड कर लो और विदाउट माइनस अलग। तो माइनस 14 माइनस का 12, तो माइनस का 60 हो गया बच्चों, प्लस का 21 अपॉन 60। तो कभी अब 60 से 60 ऐसे काट दो, नहीं ऐसे नहीं कटता बेटा, पहले ऐड होगा या माइनस होगा फिर कटेगा। तो 60 माइनस का है, 21 प्लस का है, तो आपका माइनस का बचेगा, माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस है, तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 39, माइनस का 39 अपॉन 60। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप इसको कर दीजिए, 3, 1 जा 3, 3 जा 9, 3, 2 जा 0 एज इट इज़। तो आपका आंसर आ गया माइनस का 13 अपॉन 20। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया सिक्स का। सेकंड पार्ट देखिए कैसे करना है। अब फिर एलसीएम लेना आपको, उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए माइनस का 5 अपॉन 13 एज इट इज़। देखिए माइनस ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 अपॉन में 26, ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 अपॉन 52। क्या किया मैंने, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, जहाँ से माइनस हटा मैंने माइनस हटाता गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस एज इट इज़। अब इसका एलसीएम लेना आपने, तो 13, 26 और 52 का एलसीएम आएगा 52, क्योंकि 13 और 26 की टेबल में 52 आता है। अगर कोई ऐसा नंबर हो जाए तो बड़े वाला क्या होता है, आपका एलसीएम आ जाता है 52। तो 52 को 13 से डिवाइड करेंगे, 4, 4 की 5 से करेंगे माइनस का 20, प्लस 52 को 26 से डिवाइड करूँगा, 2, 2 की 3 से करूँगा 6, प्लस 52 को 52 से डिवाइड करूँगा, 1, 1 की 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 9। तो माइनस का 20 और प्लस का 6 और प्लस का 9, तो माइनस का 20 एज इट इज़, प्लस 6 और प्लस का 9, प्लस का 15 अपॉन 52 एज इट इज़। माइनस का 20 प्लस का 15, तो आपका माइनस का 5 बचेगा बच्चों, तो माइनस का 5 अपॉन 52। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आ जाइए थर्ड पार्ट पर, देखिए 24, 12 और -8 का एलसीएम लेना आपको। तो 24 की जो है 8 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, 24। अभी समझाया मैंने आपको, जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो आपका एलसीएम आ जाता है, अगर उसकी बाकी दो बच्चे हुए या 3 हैं उनकी टेबल में वो आता हो। देखो यहाँ पर 8 और 12 की टेबल में आता है 24, तभी होगा, वहाँ पर नहीं हुआ था ऐसा, क्योंकि 15 और 5 की टेबल में तो आता है, 15 टेबल में नहीं आता 20, इसलिए आपको एलसीएम लेके देखना पड़ा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 24 से 24 डिवाइड 1, 1 की 7 से मल्टीप्लाई, प्लस 24 को 12 से डिवाइड करें 2, 2 की 5 से करेंगे 10, माइनस 24 को 8 से डिवाइड करें 3, 3 की 11 से करेंगे 33, 7 और 10 प्लस का है, पुलिस है, तो पुलिस ऐड हो गया 17 हो गया, माइनस का 33 अपॉन 24। तो अब आपका क्या हुआ, 17 प्लस है, माइनस का 33 है, तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका माइनस का 16 बचेगा बच्चों अपॉन 24, और 8 से डिवाइड होता है, डिवाइड कर डालो, 8, 2 जा 16, 8, 3 जा 24, माइनस का 2 अपॉन 3 आपका आंसर आ गया। आ जाइए फोर्थ पार्ट पर, देखिए 8, 15 और 6 और 5 का एलसीएम लेना आपको, 8, 15, 6 और 5 का एलसीएम लेना आपको। कोई ऐसा नंबर देखना जिनकी टेबल में आता हो सभी की, तो 60 है वो 8 की टेबल में नहीं आता, 6 और 5 की टेबल में तो आ जाएगा 15 है।
तो कोई बात नहीं, आप साइड में कैल्शियम लेके कर लीजिए। देखिए 8 5 और 15 कैल्शियम ले लेते हैं हम, क्या आएगा 8 15 6 और 5 कैल्शियम कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर। फर्स्टली हम क्या करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे, फर्स्टली हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 पे डिवाइड करेंगे बच्चों, 3 पे। तो देखिए 8 एज इट इज, 15 5 पे चला गया, 6 2 पे चला गया, 5 एज इट इज। अब आपको 5 5 दिख रहे हैं तो 5 पे डिवाइड कर दो, 8 5 1 जा 5, 2 एज इट इज, 5 से 1 चला गया। अब आपको 2 पे दिख रहे हैं, दोनों डिविजिबल हो रहे हैं, तो 2 पे डिवाइड कर दो 4 1 1 1। अब 4 पे डिवाइड कर दो और कोई तो है नहीं है यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा। तो आपका कैल्शियम इतना आ गया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 15 थोड़ा 30, 30 का 4 से 120। तो आप कैल्शियम कितना आ गया बच्चे यहाँ पर 120 आ गया। अब 120 को 8 से डिवाइड करूँगा, 120 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 15 आएगा 15, और 15 की माइनस 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो 15 की 11 से करेंगे तो 15 165 आ गया बच्चों। क्या आ गया माइनस का 165 आ गया। अब 120 को 15 से डिवाइड करूँगा तो आपका आएगा 8, 8 की 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 64। वेरी गुड बच्चों। अब आपको क्या करना है 120 को 66 से डिवाइड करना है, तब इसको 6 से डिवाइड करें तो आएगा 20, 20 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, ये देखिए प्लस है यहाँ पर आगे माइनस है, तो इस प्लस माइनस को क्या लगेगा यहाँ पर, माइनस लगेगा बच्चों, क्योंकि माइनस पावरफुल होता है हमेशा, जब प्लस माइनस होता है तो माइनस जीत आता है। तो 5 से 120 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6 और 4 24, तो 24 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 48। तो देखिए भाई यहाँ पर माइनस वालों की जो है क्वांटिटी ज़्यादा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इनको सेपरेट ऐड कर लो आप माइनस वालों को। तो जब हम माइनस वालों को सेपरेट ऐड करेंगे तो 165 और 64 और 48 को ऐड करो माइनस में सभी ये अलग से, तो इसको ऐड करेंगे 9 7 13 और 4 7 और 2, यानी 277 आ गया माइनस में, 277 माइनस में आ जाएगा, प्लस का 140 अपॉन 120। तो अभी भी क्या होगा, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन ग्रेटर तो आपका आंसर माइनस में आएगा। तो 270 से 140 माइनस कीजिए 731 अपॉन 120, तो माइनस का 173 अपॉन 120 आपका आंसर आ गया। तो आपका ये फोर्थ पार्ट था। तो आपको ये चारों पार्ट अगर समझ में आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।